first series solution, there are four types of differential equation which we have to study in the third semester, in which the first is Legendre differential equation. The Legendre differential equation has the form 1 minus x square d2y by dx square minus 2x dy by dx plus n into n plus 1 into y is equal to 0. This equation is known as Legendre differential equation. This equation can also be written as d by dx 1 minus x square dy by dx plus n n plus 1 into y is equal to 0. देखें कैसे इसको हम लिख सकते हैं. अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें, ये u इंटू वी के मेथड से है. सो फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज u, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. एंड इन द नेक्स्ट द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस ऑफ 2x डी वाई बाई डी एक्स इज कॉन्स्टेंट हेयर प्लस एन इंटू एन प्लस 1 into y is equal to 0. So if we solve it, we get the equation number 1. So it is 1 minus x square d2y by dx square minus 2x dy by dx plus n into n plus 1 into y is equal to 0. So it is same as equation number 1. So it is the two forms of Legendre differential equation. Generally हम लोग equation number 1 को ही use करते हैं, that is 1 minus x square d2y by dx square minus 2x dy by dx in plus n into n plus 1 into y is equal to 0. This is second order first degree differential equation, second order first degree differential equation. जैसे हम लोगों ने पावर सीरीज सॉल्यूशन में असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स या फिर डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे, उसी तरह से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हम लोग पावर सीरीज सॉल्यूशन से ही फाइंड करेंगे. सो द अबव इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय पावर सीरीज सॉल्यूशन, दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स. असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स या डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. सो मान लेते हैं कि लेट द सीरीज सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ar x टू द पावर m माइनस r. अब ये y जो हमारा फाइंड हो गया है, तो जैसे हम लोग पावर सीरीज सॉल्यूशन में फिबोनाच मेथड में हम लोगों ने देखा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि पहले हम लोग dy बाय dx फाइंड करते हैं, देन d2y बाय dx फाइंड करते हैं, देन y d2y बाय dx स्क्वायर और dy बाय dx, तीनों के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो एक एक करके हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तक लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. तो हमारा वैल्यू हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग दिस, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ए आर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, x टू द पावर m माइनस r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा m माइनस r x टू द पावर m माइनस r माइनस 1. एंड नेक्स्ट d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर एम माइनस r m माइनस r माइनस 1 x टू द पावर m माइनस r माइनस 2. अब ये जो y dy by dx और d2y by dx स्क्वायर है, इसका वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो हम लोगों ने तीन वैल्यू फाइंड किया, y dy by dx d2y by dx स्क्वायर, इसका वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू है हमारा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ar m माइनस r m माइनस r माइनस 1 x टू द पावर m माइनस r माइनस 2 माइनस 2x dy by dx का वैल्यू है हमारा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ar m माइनस r x टू द पावर m माइनस r माइनस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1
और y का वैल्यू है हमारे इक्वेशन 2 में समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ar x टू द पावर m माइनस r इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 1 का टर्म मल्टीप्लाई होगा, सो 1 का टर्म मल्टीप्लाई से हो जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ar m माइनस r, m माइनस r माइनस 1 x to the power m minus r minus 2, then x square का टर्म मल्टीप्लाई होगा x square summation r is equal to 0 to infinity ar m minus r minus 1 x to the power m minus r minus 2, then 2 times x summation r is equal to 0 to infinity ar m minus r x to the power m minus r minus 1 plus n into n plus 1 summation r is equal to 0 to infinity ar x to the power m minus r is equal to 0। next ये x square का term इसके साथ multiply होगा, so x square का term जब इसके साथ multiply होगा तो base same होने के चलते दोनों add हो जाएगा, तो x टू द पावर 2 और x टू द पावर माइनस 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर n माइनस r। उसी तरह से x का पावर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x का पावर 1 है, ये x का पावर माइनस 1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर n माइनस r। बाकी ये टर्म तो सेम टू सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ar m माइनस r माइनस 1 x to the power m minus r minus 2 minus summation r is equal to 0 to infinity ar m minus r minus 1 x to the power यहां पे हो जाएगा m minus r plus x के टर्म यहां पे जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएंगे minus 2x माइनस 2 समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर एम माइनस आर एक्स टू द पावर एम माइनस आर और लास्ट टर्म हमारा है n इंटू एन प्लस 1 समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर एक्स टू द पावर एम माइनस आर इज इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन सिंपल वे हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि x टू द पावर m जो सेम कोफिशिएंट है उनको एक साथ रखेंगे, तो x टू द पावर m माइनस 1 इज हियर, x माइनस m माइनस r इज हियर, m माइनस r हियर, तो ये तीनों टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और ये x टू द पावर m माइनस r माइनस 2 को एक साथ लिखेंगे। सो लास्ट हम लोगों ने देखा समेशन r इज इक्वल टू ar m माइनस r माइनस 1 x टू द पावर m माइनस r माइनस 2 और we have two common term, three common terms, that is x to the power m minus r is here, x to the power m minus r is here, x to the power m minus r here, और पूरे सीरीज में ar जो है हमारा कॉमन है, तो समेशन r is equal to 0 infinity और ar को हम लोग कॉमन ले लेंगे और x to the power ये जो टर्म है इस टर्म को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया m minus r m माइनस आर माइनस 1 x टू द पावर m माइनस आर माइनस 2। अब यहाँ पे हमारा x टू द पावर m माइनस 1 के तीन टर्म्स हैं, तो पहले पॉजिटिव सम को लिखते हैं, सो लास्ट टर्म में हमारा है यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1, फिर ये माइनस ऑफ 2 टाइम्स m माइनस r, 2 टाइम्स m माइनस r, एंड देन माइनस ऑफ m माइनस r माइनस 1 x टू द पावर m माइनस 1 ar इज इक्वल टू 0। अब इसके जगह पे ये आए तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस टर्म को, तो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए n इंटू एन प्लस 1 को छोड़ देते हैं, इस टर्म को हम लोग देखते हैं ये 1 2 3, इसमें क्या कॉमन है, इसमें अगर देखा जाए तो माइनस ऑफ m माइनस r कॉमन है, सो अगर हम इस कॉमन ले लें इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट लेफ्ट हो जाएगा 2, यहां पे हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ एम माइनस आर माइनस 1, तो ये हम लोग अगर सॉल्व करें तो माइनस ऑफ हो गया एम माइनस आर
एम माइनस आर टू माइनस वन दैट इज प्लस वन। तो इस तीनों टर्म की जगह पे, इस तीनों टर्म की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ एम माइनस आर प्लस वन एक्स टू द पावर एम माइनस आर ए आर इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा सिंपल वे हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इस इक्वेशन का। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे सब समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये काफी इजी है, माइनस एम माइनस आर कॉमन लेने से ये सॉल्व होगा और यहाँ से ये वैल्यू आया। अब इसके बाद एक एक करके हम लोग लोएस्ट डिग्री ऑफ टर्म्स, जैसे हम लोग फेविनेस सीरीज में करते थे या पावर सीरीज सॉल्यूशन में करते थे, कि एक एक करके हम लोग लोएस्ट टर्म ऑफ एक्स के सीरीज को हम लोग इक्वेट करेंगे जीरो से और एक एक करके वैल्यू फाइंड करेंगे और जहां तक कि हमारा रिकरेंस प्रॉपर्टी हमारा फाइंड ना हो जाए। सो नाउ टेकिंग दिस एज इक्वेशन नंबर थ्री, सो इक्वेशन थ्री इज एन आइडेंटिटी एंड देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ एक्स मस्ट वैनिश। वेरियस पावर्स ऑफ एक्स को एक एक करके हम लोग को वैनिश करना होगा। सबसे लोएस्ट टर्म क्या होगा? सबसे लोएस्ट टर्म होगा ऑब्वियसली इसमें एक्स टू द पावर एम। एक्स टू द पावर एम कैसे आएगा? एक्स टू द पावर एम यहाँ तो नहीं आ सकता है, यहाँ पे आएगा जब हम लोग आर इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। सो इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एम दैट इज बाय सब्स्टिट्यूटिंग आर इज इक्वल टू जीरो इन द सेकंड सॉल्यूशन। आर इज इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करेंगे तो यह सबसे लोएस्ट टर्म जो होगा एक्स टू द पावर एम यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ आर इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एम माइनस टू आ रहा है जो लोएस्ट टर्म में नहीं आ पाएगा। तो एक्स टू द पावर एम से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक्स टू द पावर एम हो गया। आर इज इक्वल टू जीरो इन द सेकंड समेशन में जब हम लोग पुट करेंगे तो टर्म क्या आएगा? मल्टीप्लाइड है हमारा ए आर से, सो ये हो जाएगा ए नॉट, आर के जगह जीरो पुट किए तो ए नॉट एन इंटू एन प्लस वन एम माइनस जीरो, एम माइनस जीरो दैट इज एम, एम माइनस जीरो प्लस वन दैट इज एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। नाउ यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लीकेशन है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो तो दोनों में से कोई आइदर टर्म जो है जीरो होगा, जो इक्वेशन को जीरो कर रहा है। सो अब ए नॉट, ए नॉट को पहले देखेंगे तो ए नॉट जो है वेरी फर्स्ट टर्म है समेशन का, सो ए नॉट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो ए नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, दिस इज द वेरी फर्स्ट टर्म ऑफ द समेशन। सो वी लेफ्ट विद एन इंटू एन प्लस वन माइनस एम इंटू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन से एन मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस ऑफ एन स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। नॉट टेकिंग रीअरेंजिंग द टर्म एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ये हो जाएगा एन माइनस एम दैट इज एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। नाउ एज वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो इट इज एन प्लस एम एन माइनस एम प्लस एन माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। दोनों में टर्म कॉमन टर्म क्या है? एन माइनस एम, तो एन माइनस एम यहाँ पे कॉमन ले लिए, कॉमन लेने से ये हो गया एन माइनस एम, तो लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पे एन प्लस एम और यहाँ पे वन रहेगा तो एन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग एक एक करके दोनों को इक्वेट करेंगे जीरो से। सो पहला टर्म जब एन माइनस एम इज इक्वल टू जीरो इक्वेट करेंगे तो एम का वैल्यू आया एन इज इक्वल टू एम, फर्स्ट मेरा वैल्यू आया। और दूसरा जब एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो को इक्वेट करेंगे तो एम का वैल्यू आया माइनस ऑफ एन माइनस वन, ये दो वैल्यू आया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हायर टर्म्स एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इक्वेट करेंगे जीरो से। सो नेक्स्ट हमारा टर्म होगा by putting r is equal to 1 in equation 3 the coefficient of x to the power m minus 1 to 0 that is second summation। is second summation mein x to the power humko chahiye kaun sa term m minus 1 to m minus 1 ke liye r ki jagah pe hum log put karenge 1। so r ki jagah pe jab hum log 1 put karenge to ye ho jayega r ki jagah pe 1 that is a1, ye ho jayega n into n plus 1, ye ho jayega m minus 1 aur ye ho jayega m minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 dono cancel ho jayega to ye ho jayega वन। अब इसको इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एम माइनस एम स्क्वायर प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन से हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज ए वन इज इक्वल टू जीरो आएगा। ए वन इज इक्वल टू जीरो कैसे आएगा? क्योंकि हम इसके पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि एन का वैल्यू जो है वो एम के बराबर है और एक और एन का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम माइनस ऑफ वन है। तो जब वो है तो ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो इस केस में एम का वैल्यू क्या आएगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू आ रहा है माइनस एम और यहाँ से प्लस के रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यू आ रहा है। सो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस वैल्यू इज ऑलरेडी प्रूव्ड दैट इज एन इज इक्वल टू एम एंड एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम माइनस वन, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं।
सो दिस वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. सो इस लोएस्ट टर्म्स को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू आया ए वन इज इक्वल टू जीरो. अभी तक हमारे पास दो वैल्यू आए, पहले वाले से वैल्यू आया एन इज इक्वल टू एम और एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम माइनस वन, और यहां से वैल्यू आया ए वन इज इक्वल टू जीरो. अब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स एक्स टू द पावर एम माइनस आर के कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो से. नाउ नेक्स्ट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एम माइनस आर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. अब इसके कोफिशिएंट को हम लोग को जीरो से इक्वेट करना है. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक्स टू द पावर एम माइनस आर का कोफिशिएंट तो यहाँ पे मेरा है, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे, दैट इज एम माइनस आर माइनस वन ए आर, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा. लेकिन यहाँ पे मेरा एक्स टू की पावर एम माइनस आर माइनस टू का कोफिशिएंट है, इसको कैसे लिखे, क्योंकि ये समेशन है, समेशन जो है इनफाइनाइट सीरीज में जा रहा है, ऑब्वियसली एम माइनस आर है, तो अगर इसके टर्म्स को रिड्यूस करें और बैक आए दो टर्म, तो आर की जगह पे अगर हम आर माइनस टू पुट कर दें तो हमको एक्स टू की पावर एम माइनस आर माइनस टू का कोफिशिएंट मिल जाएगा. मतलब इस आर माइनस एम माइनस आर की जगह पे हमको चाहिए एक्स का पावर एम माइनस आर माइनस टू. That means, दो टर्म हमें पीछे जाना है, तो दो टर्म पीछे जाने के लिए हमको क्या करना होगा, ऑब्वियसली दो माइनस करना होगा. सो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे, जहां जहां पे r का टर्म है वहां पे r माइनस टू लिखेंगे. तो यह r है, r की जगह पर हम लोगों ने लिखा यहाँ r माइनस टू. नेक्स्ट यहाँ पे r माइनस टू लिखा और r माइनस टू प्लस वन है, इसलिए यह हो गया r माइनस माइनस टू प्लस वन, दैट इज इक्वल टू माइनस वन. उसी तरह से यहाँ पे r की जगह पे r प्लस टू, क्योंकि r प्लस टू लिखेंगे तभी मेरा यहाँ r माइनस, क्योंकि इस r माइनस टू का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, r प्लस टू इस तरह से. तो ये क्या होगा, r की जगह पे हम लोगों ने r प्लस टू लिखा है, तब जाके ये बना m x टू दी पावर m माइनस आर माइनस टू, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा. तो इस तरह से, इस तरह से हम लोगों ने लिखते गए और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है. अब इक्वेशन नंबर फोर को हमको सॉल्व करना है, तो ये ब्रैकेट वाले टर्म्स को हम लोग कुछ स्पेशल वे में सॉल्व करेंगे. सो हमारा टर्म है n इंटू एन प्लस वन माइनस ऑफ m माइनस आर माइनस टू एम माइनस आर माइनस वन. अब ये r माइनस टू का जो टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो गया तो n स्क्वायर प्लस n हुआ, और ये माइनस टू के टर्म्स को हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन माइनस वन, और ये m माइनस आर माइनस वन हो गया. अब ये अगर ध्यान दें, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस वन को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एम माइनस आर माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये टर्म माइनस वन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. तो इस टर्म्स को जब मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया, यहाँ पे यह वैल्यू जो हम लोगों ने लाया, यहाँ पे एक वैल्यू पे कंफ्यूजन है, हमको लगता है यहाँ पे टू होगा प्लस टू, क्योंकि आर के जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं आर प्लस टू, तो माइनस से मल्टीप्लाई आर माइनस टू, ठीक है, यहाँ पे ये सही है. सो आर माइनस टू के टर्म्स को यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया, तो आर माइनस टू ये एन स्क्वायर प्लस एन. जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो एम माइनस आर माइनस वन, एम माइनस आर माइनस वन से ये मल्टीप्लाई हो गया तो एम माइनस आर का स्क्वायर हो गया, और m माइनस आर का टर्म जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली ये माइनस के साथ ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया यहाँ पे. नेक्स्ट हम लोग सब में पूरे में से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे माइनस ना होके या क्या होगा, क्योंकि पहले से यहाँ पे माइनस का टर्म है, ये माइनस माइनस होगा, यहाँ पे ये प्लस होगा. सो हम लोग पूरे में से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेने से ये टर्म प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा. तो ये हो गया एम माइनस आर माइनस वन का स्क्वायर, एम माइनस आर माइनस वन माइनस ऑफ एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन. अब ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है, तो इस दोनों को हम लोग साथ में लिखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो ये हो जाएगा एम माइनस आर माइनस वन प्लस एन, सो एम माइनस आर माइनस वन प्लस एन, और दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी, अगर ये ए है ये बी है तो एम माइनस आर माइनस वन माइनस एन, तो ये माइनस एन, और हमारे पास टर्म रह गया एम माइनस आर माइनस वन, और ये माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे ये माइनस एन का यहाँ पर अंदर में हो गया ब्रैकेट के अंदर प्लस एन. सो हमारा जो कॉमन टर्म है हम लोग कॉमन टर्म ले लेंगे, कौन सा कॉमन टर्म है हमारा एम माइनस आर माइनस वन प्लस एन, यहाँ पे कॉमन हो गया. सो हमारे पास रह गया टर्म एम माइनस आर माइनस वन माइनस एन,
और ये माइनस यहाँ से रह गया सिर्फ माइनस वन, ये माइनस वन और ये माइनस वन हो गया माइनस टू। सो ये वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फोर जो हम लोगों ने यहाँ किया है इस जगह पे हम लोग इस इक्वेशन नंबर फोर पे यहाँ पे हम लोग वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे सब्सिट्यूट करने से ये आया, और इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक रिकर्सन प्रॉपर्टी आएगा जिसको हम रिकरेंस प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये रिकर्सन प्रॉपर्टी आएगा लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ए आर प्लस टू इज इक्वल टू एन माइनस आर, एम माइनस आर माइनस वन, एम माइनस आर प्लस एन माइनस वन, एम माइनस आर माइनस एन प्लस टू ए आर, ये इसका रिकरेंस प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग वैल्यूज पुट करने के बाद आर का वैल्यू जीरो वन टू थ्री इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे तो ऑड कोफिशिएंट और इवन कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, और केस वन और केस टू, केस वन में जब एम इज इक्वल टू एन था उस पर हमारा क्या वैल्यू आएगा, और जो हमारा फर्स्ट वैल्यू में था कि m इज इक्वल टू माइनस ऑफ n माइनस वन था उस पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, और लेजेंडर पॉलिनोमियल्स कैसे डिफाइन करेंगे इस दोनों वैल्यू को लेने के बाद।